हेलो फ्रेंड, मैं बोला सर आपके लिए इंडियन पॉलिटिक्स का लेक्चर लाया हूँ। जैसे अपने देखे थे पिछले वाला जो वीडियो था उसमें पार्ट फोर देखा था, आज तो देखने वाले हैं पार्ट फाइव देखने वाले हैं। और फाइव पार्ट में क्या दिया हुआ है, प्रेसिडेंट जो इंडिया के प्रेसिडेंट है, जो राष्ट्रपति जी है, उनके बारे में दिया हुआ है। आज हम प्रेसिडेंट के बारे में देखेंगे और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में देखेंगे। अगर वीडियो छोटा रहा तो बड़ा हुआ तो फिर सेकंड वीडियो में देखेंगे। तो जो राष्ट्रपति है ये कहाँ रहते हैं, नई दिल्ली में रहते हैं, ध्यान में रहता है दिल्ली में नहीं, कहाँ रहते हैं नई दिल्ली में रहते। उसके बाद ये राष्ट्रपति भवन है, ठीक है, एक है उनको क्या बोला जाता है, जहाँ पे वो रहते वहां पे राष्ट्रपति भवन बोला जाता है। तो ये है राष्ट्रपति भवन, दिख रहा है आपको। उसके बाद उस राष्ट्रपति भवन को दूसरा नाम भी दिया हुआ है, उसका नाम है रायसीना हिल, ठीक है, रायसीना हिल से भी उसका नाम दिया गया है। जो भारत में जैसे 57 जो आर्टिकल दिया हुआ है, 57 जो आर्टिकल दिया है उसमें बोला है कि भारत का राष्ट्रपति कितने बार भी बन सकता है, ठीक है, दो बार, तीन बार, चार बार, बट अमेरिका का राष्ट्रपति दो बार से ज्यादा नहीं बन सकता है। तो राजेंद्र प्रसाद ऐसे अपने भारत के एक ही ऐसे जो राष्ट्रपति थे जो दो बार बन चुके, कितने बार बन चुके हैं, दो बार बन चुके हैं। और भारत की जो पहली महिला थी जो राष्ट्रपति बने थी, ठीक है, अपने महाराष्ट्र की थी अमरावती, इसके तो कौन थे, प्रतिभा, श्री प्रतिभा पाटिल, ठीक है, प्रतिभा पाटिल। और ये कौन से नंबर की थे, 12वें नंबर के। अभी जो करंट में है रामनाथ कोविंद, वो कौन से नंबर के, 14वें नंबर के प्रेसिडेंट है। और उनको ये जो है पावर जो है प्रेसिडेंट को बहुत सारे पावर दिए, उनमें से जो 7 दिए हुए हैं तो अपन 7 देखेंगे कौन कौन सी पावर है। और जो अभी तक जो राष्ट्रपति हुए हैं तो उनके बारे में देखो, राजेंद्र प्रसाद दिए हुए हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन दिए है, जाकिर हुसैन है, जो जाकिर हुसैन है आप देखोगे तो पहले मुस्लिम थे जो प्रेसिडेंट बने थे, और ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनकी डेथ हो गई थी राष्ट्रपति पद में। समझ में आ रहा, जब राष्ट्रपति पे थे तब इनकी डेथ भी हो गई थी, फर्स्ट पर्सन थे ऐसे प्रेसिडेंट अगर आपको पूछेंगे तो। और दूसरी बात, ये कौन थे मुस्लिम, अगर आपको बोलेंगे फर्स्ट मुस्लिम कौन थे प्रेसिडेंट भारत के, ठीक है, तो कौन थे, जाकिर हुसैन। उसके बाद फिर, ठीक है, ये आपको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये वाले जो है ना ये काफी इम्पोर्टेंट है, इसे आप थोड़ा सा स्टार्ट कर लीजिए। क्या नाम है, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला। तो आपको बताएगी प्रेसिडेंट, अगर मान चलो प्रेसिडेंट की डेथ हो गई या फिर उन्होंने हेल्थ के इश्यू के कारण वो पद छोड़ दिया, तो फिर कौन बनेंगे प्रेसिडेंट, कौन बनेगा, वाइस प्रेसिडेंट, कौन बनेंगे, वाइस प्रेसिडेंट। अगर मान चलो वो भी नहीं है तो फिर कौन बनेगा, कौन बनेंगे, मुख्य न्यायाधीश, कौन बनेंगे, मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। अगर मान चलो मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है, मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है, तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश की जो एक बॉडी बनी रहती है उसे अन्य न्यायाधीश भी कहा जाता है, तो अन्य न्यायाधीश में से जो सबसे वरिष्ठ रहेगा, अन्य न्यायाधीश से जो सबसे वरिष्ठ रहेगा उन्हें क्या दिया जाएगा, उन्हें क्या दिया जाएगा, प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। कब, अगर ये नहीं है तो, ठीक है, अभी ये जो आपको एक में दिख रहे देखो, हिदायतुल्ला मोहम्मद हिदायतुल्ला, ये ऐसे अपने प्रेसिडेंट बने हैं भारत के जो कौन थे, मुख्य न्यायाधीश थे, कौन थे, मुख्य न्यायाधीश थे, और ये क्या बने थे, प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट भी नहीं था, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं था, तो फिर किससे पद संभालना पड़ा, मुख्य न्यायाधीश को। तो अगर आपको अगर क्वेश्चन आए कि कौन से ऐसे न्यायाधीश है जो मुख्य न्यायाधीश थे और जो प्रेसिडेंट बने थे, तो ठीक है, तो प्रेसिडेंट कौन बने थे, ठीक है, मोहम्मद, ठीक है, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला। और एक बात बता देता हूँ कि ये जो जब प्रेसिडेंट बनते थे इनके लिए कोई चुनाव नहीं होता, डायरेक्टली हो जाते हो, समझ में आ रहा है, जब उनका कुछ इश्यू रहता है, मान लो इनके डेथ हो गई, एडेंट इश्यू हो गया उसके कारण छोड़ दिए, तो क्या होगा, वाइस प्रेसिडेंट बनेगा, तो इसके लिए कोई चुनाव नहीं होगा अलग से, समझ में आ रहा है। उसके बाद भी देखो आप सभी जो दिख रहे हैं, ये जो है ये यहाँ पे पूरे आपको दिए हुए है कि कौन कौन से अपने जो इसके पहले थे, प्रणब मुखर्जी थे और अभी रामनाथ गोविंद जी। तो आज प्रेसिडेंट के बारे में देखते अपन, राष्ट्रपति जो अपने भारत के
तो ये कौन होते हैं? ये भारत के राज्य प्रमुख होते हैं। ये कौन होते हैं? पहले सबसे पहली बात, सबसे पहला पॉइंट क्या है, ये कौन होते हैं? भारत के राज्य प्रमुख। ठीक है, ये प्रथम भारत के नागरिक रहते हैं, ध्यान में रखना। जो अपना इंडिया है, इंडिया के फर्स्ट सिटीजनशिप किसे कहा जाता है? ठीक है, जो प्रेसिडेंट रहता है उन्हें कहा जाता है, कौन है? भारत के। इसके साथ ही साथ ये कार्यकारी प्रमुख, ठीक है, कार्यकारी प्रमुख इन्हें माना जाता है। तो वास्तविक प्रमुख किसे माना जाता है? वास्तविक प्रमुख माना जाता है अपने जो पीएम जो रहते हैं उन्हें माना जाता है। अगर आप आपको बताओगे कि आप अगर चेस खेलते हो तो चेस में क्या रहता है? एक राजा रहता है और एक तो क्या रहता है? वजीर रहता है। और जो वजीर को इतना पावर रहता है ना कि वो कहां से भी कहीं पे भी जा सकता है, किसी को भी मार सकता है। और राजा उतना पावर रहता है क्या? नहीं, बस सेम वही है। सेम अपने पॉलिटी में भी आप देखोगे तो वजीर के पास आपको ये मतलब प्रेसिडेंट आने सीधा सीधा राजा। और ये पद कहां से लिया गया है? तो ये देखो, ये अमेरिका से नहीं लिया होगा, भारत का राष्ट्रपति, ठीक है, अमेरिका में भी राष्ट्रपति है, पर वहां के राष्ट्रपति को कुछ कम अधिकार है, भारत के राष्ट्रपति को उससे ज्यादा अधिकार है, वो पद देखेंगे। तो ये जो पद लिया था, ये लिया था ब्रिटिश की महारानी, नहीं क्या महारानी, वहां से वो पद भारत में लिया गया। समझ में आ रहा है? वहां से वो पद भारत में लिया गया है। अगर आपको और पूछे कि राष्ट्रपति का, अभी जो राष्ट्रपति जो आता है वो आर्टिकल किसमें, पार्ट किसमें आता है? पांच भाग किसमें आता है? फाइव भाग में आता है। और भाग फाइव में कितने कलम आते हैं? 52 से लेके 151 तक। कितने आते हुए? 52 से लेके 121। पर इसमें भी कुछ अलग अलग छोटे छोटे पार्ट पड़े हैं। तो इसमें से जो पहला पार्ट दिया है, तो वो पार्ट दिया है 52 से लेके 78। ठीक है, 52 से लेके 78। इस पार्ट में क्या दिया हुआ है? इसी पार्ट में दिया है कार्य परिषद। क्या दिया है? कार्य, ठीक है, कार्य परिषद, या अपन कार्यकारी भी बोल सकते हैं उसे, और उसे एग्जीक्यूटिव भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये तीनों चीज इसमें आता है। तो इसमें क्या क्या आता है? इसमें क्या क्या आता है? एग्जीक्यूटिव भी बोल सकते हैं। इसमें आता है राष्ट्रपति, अपने प्रेसिडेंट, ठीक है, उसके साथ ही साथ आते इसमें अपने जो मिनिस्टर जो है, और उसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, उसमें पीएम भी आ गया, मंत्री में जो मिनिस्टर है, मंत्री जो बोलेंगे, मंत्री में पीएम भी आ गए, और मान्यवादी। तो ये सब इसमें दिया हुआ है, यहाँ से 52 से 78। तो उसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, तो आज अपन ये भी देखेंगे 52 से लेके 78 तक, ठीक है, और फिर स्टेप बाय स्टेप अपन आगे बढ़ते जाएंगे। अभी जो राष्ट्रपति, अगर आपको कभी भी किसी भी प्रेसिडेंट की बात करें या राष्ट्रपति की बात करें, तो आप एक आंकड़ा ध्यान में रखना, वो है 52। राष्ट्रपति यानी क्या? 52। अगर किसी ने आपको बोला प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति बोला, तो क्या ध्यान में रखना आपको? 52, मतलब जो राष्ट्रपति माना जाता है वो आर्टिकल 52 के अनुसार बना जाता है। देखो भारत का जो सब, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? 52 में दिया है, जो भाग पार्ट में, पार्ट फाइव में आता है। अगर आप 53 की बात करते, तो उसमें क्या दिया हुआ है? एग्जीक्यूटिव, ठीक है, पावर द यूनियन, मतलब संघ, ठीक है, कार्यकारी और संघ, ये किसमें दिया है? 53 में दिया है। मतलब इसमें क्या दिया हुआ है? तो इनको पावर है, इनको कितने? 7 पावर है। आपने देखे थे 7 जो पावर थी, ये देखो, ये जो 7 पावर जो दिख रही है आपको, इसी में दिया हुआ है। समझ में आ रहा है? तो ये पावर थी 53 के अनुसार। अगर बात करते 54 की, तो आर्टिकल 54 में दिया है प्रेसिडेंट का इलेक्शन, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और हर बार एग्जाम में आता है, ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो ध्यान में रखना कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, और उसके बाद इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब उनकी जो प्रोसेस है वो 55 में दिया हुआ है। 55 में क्या दिया हुआ है? उसकी प्रोसेस दिए हुए है, तो अपन आज उसी के बारे में देखते हैं। राष्ट्रपति का जो चुनाव जो होता है, इलेक्शन होता है, ठीक है, वो 54 कलम ध्यान में रखना, 54 55 फिर वो कंटिन्यू दिए हुआ है। तो क्या होता है, जो
चुनाव इनडायरेक्टली होता है, कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है, ठीक है, मतलब अप्रत्यक्ष, कैसा होता है, चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, मतलब डायरेक्ट हम लोग नहीं चुन के देते, हम लोग, ठीक है, आप लोग क्या करते हैं, उनको मत दे के चुना नहीं जाता है, ठीक है, उनको फिर कैसे इलेक्शन में चुना जाता है, ठीक है, तो कैसे, उसके लिए क्या करते हैं, अभी मैं आपको मैं बता दूं कि राष्ट्रपति जो होता है ये संसद का ही पार्ट होता है, राष्ट्रपति किसका पार्ट होता है, संसद का, तो अगर राष्ट्रपति को चुनना आपको नियुक्त करना है तो उसके लिए पहले होगा संसद। अभी संसद में आपको पता है दो पार्ट आता है, दो पार्ट कौन कौन से आते हैं संसद में, एक है राज्यसभा, इसके बाद अपन राज्यसभा लोकसभा देखने वाले हैं, लोकसभा, ठीक है, राज्यसभा हो गए, लोकसभा हो गए, तो इन दोनों के मत, ठीक है, ये क्या करेंगे, दोनों ही मत देंगे, अपन मत नहीं देंगे, तो क्या यही लोग मत देंगे, अगर यही लोग अगर मत देंगे तो संसद में मान चलो कि अभी बीजेपी का वर्चस्व है तो अपना प्रेसिडेंट क्या बनाएंगे, वो बीजेपी का, अगर मान चलो कांग्रेस का वर्चस्व है तो कांग्रेस का, तो इसे देखते हुए क्या किया उन्होंने, ठीक है, इसे देखते हुए यहाँ पे और एक एक्ट कर दी विधानसभा, ठीक है, विधानसभा, समझ में आ रहा कि किसी भी पार्टी का वर्चस्व ना रहे, कोई भी जो प्रेसिडेंट बनने वाला है फ्यूचर में तो किसी एक पार्टी का ना बने, है ना, तो इसीलिए क्या किया उन्होंने विधानसभा का भी इन्होंने ऐड कर दिया, विधानसभा भी इसमें क्या करेंगे अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट इलेक्शन में ऐड किया गया, क्यों किया गया समझ में आ रहा है, ठीक है, किस किस मतलब कुछ कुछ जैसे व्यक्ति थे उनका कहना था कि जो प्रेसिडेंट का चुनाव जो होता है अप्रत्यक्ष है, और अप्रत्यक्ष है क्या होता है, और लोकतांत्रिक, मतलब ये संवैधानिक नहीं है, मतलब समझ में आ रहा है, अप्रांतिक मतलब ये जो है लीगल नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्या बोला है प्रेसिडेंट जो होता है, प्रेसिडेंट क्या होता है, कोई भी आदमी प्रेसिडेंट बन सकता है भारत का, समझ में आ रहा है, पर इससे क्या हो रहा है, इससे जो है ना हर कोई भारत का जो आम नागरिक है वो राष्ट्रपति नहीं बन सकता, समझ में आ रहा है, तो किस कुछ कुछ लोगों ने इसमें क्या किया है आलोचना की गई है, तो उसके बारे में भी देखेंगे। अभी आपको पता है कि राज्यसभा में क्या होता है, 12 ऐसे लोग होते हैं जिसे अपन क्या बोलते हैं मनोनीत, जो कला साहित्य में जिसे चुना जाता है, नियुक्त किया जाता है, और कौन नियुक्त करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है, अगर लोकसभा में आप देखोगे तो दो ऐसे लोग हैं, ठीक है, इंडियन, उन्हें नियुक्त किया जाता है, समझ में आ रहा है, तो ये हो गए, तो ये राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, ठीक है, अभी बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश की, मैं उस दिन ही बताया था केंद्र शासित प्रदेश यानी क्या होता है, केंद्र शासित प्रदेश यानी जो भारत से थोड़ा सा दूर, ठीक है, भौगोलिक दृष्टि से थोड़ा सा भारत से दूर, और उसके रीति रिवाज जो है, उसका जो आर्ट कल्चर है, वो कल्चर मतलब किसी राज्य में स्टेट में इसलिए नहीं मिलाया जाता केंद्र शासित प्रदेश को, जैसा कॉमन द्वीप है ना, तो जो है उसे गुजरात में मिला दिया, अगर गुजरात के पास मान चलो कि अगर नहीं क्या दादर नगर हवेली है तो उसे मिला दिया, तो उससे क्या होगा, वहां का कल्चर को धोखा निर्माण हो सकता है, ठीक है, तो एक तो उनका कल्चर बचना चाहिए, और समझ में आ रहा है, और अगर अपन दूसरे अगर उस वहां पे अगर चुनाव लड़ते हैं, अगर वहां पे अगर मान चलो वहां पे सीएम बनाते हैं और सीएम बन गया और वो दूसरे देश से मिल गया तो वहां रहेगा थोड़ा सा अंडमान निकोबार, समझ में आ रहा है, लक्षद्वीप वगैरह, तो इसी चलते हुए क्या होता है कि केंद्र शासित प्रदेश पे डायरेक्ट किसका शासन चलता है, सीधा सीधा प्रेसिडेंट का शासन चलता है केंद्र सरकार का, तो इसमें और एक पार्टी आएगी और विधानसभा आएगी, तो विधानसभा आपको दिखेगा, ठीक है, कौन सी विधानसभा दिखेगी, दिल्ली, ठीक है, और प्लस ठीक है, तो दिल्ली प्लस पांडिचेरी, मतलब यहाँ के भी विधानसभा के मेंबर क्या करेंगे, वोट डाल सकते हैं, समझ में आ रहा है, इतने लोग क्या करेंगे राष्ट्रपति के लिए क्या करेंगे अपने वोट डाल सकते हैं, ठीक है, तो इतना ध्यान रखना राष्ट्रपति के लिए वोट डाल सकते हैं, तो ये जो है ना 12 मनोनीत, क्योंकि इसे तो राष्ट्रपति ने चुना गया है, समझ में आ रहा है, जब राष्ट्रपति बनेगा उसके बाद ही जो वो चुनेंगे, ठीक है, तो ये लोग मत नहीं डाल सकते क्योंकि इसे राष्ट्रपति नियुक्त कर रहा है, इसलिए इनको ये अधिकार नहीं दिया हुआ है, इस चीज को अधिकार दिया है राज्यसभा, भी मैं बाद में आपको सब बताऊंगा कि कितने मेंबर है राज्यसभा में, समझ में आ रहा है, लोकसभा का जब आएगा
आएगा तब अपन लोकसभा का भी देखेंगे। तो यहाँ के सदस्य विधानसभा के दिल्ली के और ठीक है, तो यहाँ के विधानसभा के सभी मेंबर यहाँ पे क्या करते हैं, मत राष्ट्रपति के लिए अपना वोट देते हैं ठीक है, और उसे अध्यक्ष कहा जाता है। अपन नहीं देते, अपन जिस विधायक को जिस एमएलए को जिस एमपी को अपन चुन के देते हैं वही लोग क्या करते हैं आगे जाकर राष्ट्रपति बनाते हैं। समझ में आ रहा है, अपन नहीं बनाते क्योंकि अपन ही तो उनको वोट दिया ना। अभी यहाँ का जो अगर मान लो एमएलए है तो एमएलए को किसने बनाया, हम लोगों ने बनाया, और वो एमएलए क्या करेगा प्रेसिडेंट बनाए। समझ में आ रहा है इनडायरेक्टली। हाँ तो अभी होता क्या है कि मान चलते है कि विधानसभा जो है एकाधि विधानसभा भंग हो गई। समझ में आ रहा, मान चलते है कि यूपी की विधानसभा भंग हो गई। समझ में आ रहा, देखो यूपी ना, यूपी बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है, यूपी इतना इंपॉर्टेंट है कि वहां से प्रेसिडेंट और पीएम काफी बड़े पैमाने में बने जाते हैं ठीक है, क्योंकि वहां की जो विधानसभा की जो मेंबर है जो लोकसभा के मेंबर है सबसे ज्यादा वहां से आते हैं। समझ में आ रहा, वहां से अगर मान चलो आप यूपी से आपके ज्यादा नंबर ऑफ ज्यादा नंबर ऑफ ज्यादा मतलब वहां के जो है वहां के अगर नंबर ऑफ ज्यादा एमएलए एमपी निकल गए वहां से तो मान कितना मान लीजिए कि उसका लगभग तय है प्रेसिडेंट होना पीएम होना। अभी देखो मान लीजिए गुजरात अपने ये नरेंद्र मोदी जी कहाँ के रहने वाले हैं, गुजरात, वो कहाँ से खड़े हुए हैं, वाराणसी यूपी से, क्यों हुए बात समझ गए आप क्यों हुए ठीक है। अपने को पॉलिटिकल इसमें नहीं जाना है, समझ में आ रहा है, वो यू में नहीं जाना है, बट अपन देखते हैं वहां से क्यों खड़े हुए। अभी राहुल गांधी दिल्ली रहते चुनाव लड़ने के लिए कहा जाते हैं वाराणसी, सॉरी वाराणसी यूपी में ठीक है, यूपी में उनका एक क्षेत्र है जहाँ से स्मृति ईरानी भी खड़ी थी अभी ठीक है। उसके बाद में उसके पहले भी आप देखोगे तो ज्यादा से ज्यादा वाराणसी में जाते हैं, क्यों जाते हैं सॉरी वाराणसी यूपी में जाते हैं, तो वहां की क्या है एमएलए एमपी की संख्या भारत में सबसे ज्यादा है अदर स्टेट के मुकाबले ठीक है। अगर मान लो यूपी की विधानसभा के मेंबर नहीं है, हम हो चुकी है वो, तो भी चुनाव रुकेगा क्या, नहीं रुकेगा, कुछ भी हो जाए ठीक है, कुछ भी हो जाए प्रेसिडेंट का हर मतलब 5 साल के बारे में उसे बनना ही है ठीक है। और अपन देख रहे 77 से 25 जुलाई को ही क्या बन रहा है, 25 जुलाई हर 5 साल के बाद में प्रेसिडेंट अपने भारत के बने रहे ठीक है। 24 तारीख में इसका क्या होता है खत्म हो जाता है ड्यूरेशन, और 25 जुलाई को क्या हो जाता है इनका नया स्टार्ट हो जाता है। तो अगर किसी कारण मान चलो कि नया जो राष्ट्रपति है अपना पद नहीं स्वीकारते मतलब कुछ लेट नहीं किया कुछ इशू के कारण मान चलो कि 6 मतलब 2 महीने बाद स्वीकारने वाले 3 महीने के बाद, तो तब तक ये रहेंगे जो पुराने वाले जो प्रेसिडेंट है अपने वो रहेंगे नए आते तक। समझ में आ रहा है, अभी तो ये तो हो गए यहाँ की बात ठीक है। इसे चुना गया तो इसका एक फॉर्मूला आता है कैसे चुनते हैं, तो कैसा होता है हर एक के पॉपुलेशन अलग अलग रहती है, दिल्ली की अलग है, महाराष्ट्र की अलग है, उत्तर प्रदेश की अलग है, तो फिर इससे क्या होगा वोट पे बहुत ज्यादा नुकसान होगा। समझ में आ रहा है, तो इसके चलते उन्होंने एक फार्मूला बनाया जो हर स्टेट के लिए समान हो। तो उन्होंने क्या कर दिया जैसे यहाँ का एमएलए के लिए विधानसभा के लिए करना है तो वो क्या करेगा पहले जहाँ की राजधानी जहाँ का स्टेट है जैसे महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र लेगा मतलब एक क्या लेगा यहाँ पे स्टेट क्या लेगा स्टेट मतलब राज्य लेगा। समझ में आ रहा है फार्मूला ध्यान रखना। उसके बाद क्या करेंगे उस स्टेट के कुल विधानसभा के मेंबर उस स्टेट के पूरे विधानसभा सदस्य मतलब टोटल जितने भी है उस विधानसभा है वहां के जो मेंबर है उसे डिवाइड करेंगे इनटू 1 ठीक है कितना 1000 मतलब मान चलते हैं कि अपने महाराष्ट्र की पॉपुलेशन है 10 करोड़ कितना है ठीक है एकदम 10 करोड़ ठीक है। महाराष्ट्र की पॉपुलेशन कितनी है 10 करोड़ ठीक है। अभी क्या होगा कि वहां पे जो एमपी दिए हुए अपन क्या करेंगे इनटू 100 कर दिए और विधानसभा का जो मेंबर है सॉरी 1000 से और विधानसभा के जो मेंबर है वो है अपने इधर 1000 या 500 कर लेते कितना है 500 तो आप क्या करोगे इसे डिवाइड कर दोगे ठीक है। तो ये गए आपके 3 जीरो यहाँ से कट गए तो यहाँ से निकाल दिए यहाँ पे 2 जीरो थे यहाँ पे भी 2 जीरो काट दिए अभी कितना बचा 1000 1000 को आप क्या करोगे 5 से डिवाइड करोगे 5 × 10 और 2 जीरो मतलब एक एमएलए की वैल्यू कितनी हुई कितने वोटों के बराबर हुई
200 वोटों के बराबर, समझ में आ रहा है। और फिर सभी एमएलए का 200 होगा, समझ में आ रहा है। तो ये हर स्टेट के लिए फार्मूला लागू होगा। तो ये तो हो गया किसके लिए, एमएलए के लिए। अभी अपन देखेंगे एमपी के लिए, जो एमएलए जो रहते हैं राज्यसभा लोकसभा, जैसे मानसूर्मान्य नितिन जी गडकरी है महाराष्ट्र से, है ना, लोकसभा में गए हैं, तो उनके लिए क्या मतलब उनका भी लिए भी कुछ फार्मूला दिया हुआ है, ये ध्यान में रखना, काफी बार पूछा जाता है। अभी सभी राज्यों की विधायक, दूसरे इसमें कैसा होगा, इसमें क्या होगा, सभी राज्य की विधायक, सभी मतलब ऑल स्टेट, सभी राज्य के विधानसभा सदस्य, ठीक है, सभी राज्य के विधानसभा सदस्य। और डिवाइडेड वहां के जो अपने जो संसद बोलेंगे, राज्यसभा या लोकसभा दोनों ही सदन के निर्वाचित सदस्य की कुल संख्या, मतलब जो संसद है सीधा सीधा संसद मतलब दोनों भी पार्टी आ गई इसमें, राज्यसभा और लोकसभा, यहाँ के कुल सदस्य, कुल सदस्य ये डिवाइड किया जाएगा, तो इस हिसाब से फिर नंबर ऑफ निकाला जाएगा। मतलब मान चलो कि अगर विधानसभा में टोटल 1000 पूरे मिला के 1000 हो रहे हैं, और यहाँ पे कितना हो रहा है, मतलब मान चलो 5000 हो रहे हैं, और यहाँ पे कितना हो रहा है 2000 हो रहे हैं, तो 5000 डिवाइडेड बाय 2, तो एक वोट की क्या निकालेंगे, वो वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला रहता है, ये ध्यान में रखना कि राष्ट्रपति कैसा चुना जाता है, और उसके बाद में इनका जो होता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, सीक्रेटली इलेक्शन होता है, गुप्त मतदान होता है, समझ में आ रहा, इनका एक निर्वाचन मंडल रहता है, वो हिसाब से होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, इलेक्शन कॉलेज बोलेंगे, इंग्लिश में उसे क्या बोलेंगे, इलेक्शन कॉलेज बोलेंगे या निर्वाचन मंडल। उसके बाद क्या होगा, ध्यान में रखना, अगर अभी राष्ट्रपति जी को अपने को क्या करना है, हटाना है, ठीक है, मान चलो वो असंवैधानिक है, महाभियोग चल रहा है उनके ऊपर, तो महाभियोग चल रहा है तो उनको हटाना है, तो ध्यान में रखना क्या करेंगे, अभी हटाने के लिए क्या प्रोसेस है, महाभियोग जब चलता है, महाभियोग चलता है राष्ट्रपति जी के ऊपर, अपने भारत में अभी तक ऐसा हुआ नहीं है कि किसी के ऊपर चला है, ठीक है, मतलब संविधान का अगर उल्लंघन होता है तो क्या होता है, राष्ट्रपति जी को भी हटाया जाता है, मतलब देखो राष्ट्रपति से भी ऊपर क्या है, अपना इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, समझ में आ रहा है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो उससे भी मतलब राष्ट्र प्रेसिडेंट से भी बड़ा है, ठीक है, कुछ मामलों में आप देखोगे कि ठीक है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि अगर उन्होंने किसी को मार दिया तो उनको सजा तो नहीं है, उनके ऊपर जेल तो नहीं हो सकती है, ना ही उन्हें ठीक है गिरफ्तार किया जा सकता है, अगर व्यक्तिगत उन्होंने किसी को मार भी दिया तो, ठीक है, बट बात ऐसी होती है कि ऐसा जरूरी नहीं कि उनके ऊपर केस नहीं होती, उनके ऊपर तो क्या होता है, पहले 14 दिन के लिए उनको नोटिस दिया जाता है, सॉरी 2 महीने तक, 2 महीने के बाद उन्हें क्या किया जाता है, नोटिस दिया जाता है, आफ्टर उसके बाद फिर क्या होता है उनके ऊपर ठीक है अभियोग बिठाया जाता है, समझ में आ रहा है। तो संविधान भी पहले तो ये प्रेसिडेंट के ऊपर है। अभी देखते हैं महाअभियोग कैसे होता है। तो महाअभियोग होने के लिए सबसे पहले जो दोनों संसद, तो एक तो पहले राज्यसभा में होगा या फिर लोकसभा में होगा, तो क्या होगा, जैसे मान चुके लोकसभा है तो लोकसभा में 1/4 कितना, 1/4 मतलब 25% क्या होना, 25% लोगों ने मत देने को होना कि हाँ कि हमें क्या करना है, इसे हटाना है, प्रेसिडेंट को हटाना है, ठीक है। उसके बाद ठीक है यहाँ पे 25 मतलब 1/4 के क्या होंगे, सिग्नेचर होंगे, हस्ताक्षर होंगे, सिग्नेचर होंगे, क्या होंगे, हस्ताक्षर होंगे, ठीक है। अगर बात करते अपन, इसके बाद उनको 14 दिन के लिए क्या दिया जाएगा, नोटिस क्या दिया जाएगा, प्रेसिडेंट को क्या दिया जाएगा, नोटिस दिया जाएगा, ठीक है। नोटिस देने के बाद वो उसके बारे में क्या करते हैं, वो खुद क्या करते हैं, अभी उनके जो मामले हैं कहाँ जाते हैं, अगर दोनों के बीच अगर किसी के बीच में झगड़ा हुआ है तो कहाँ जाएंगे, कोर्ट में, तो ये कहाँ मामला जाता है, सुप्रीम कोर्ट, समझ में आ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट में ये अपना खुद ही स्वयं ही बता सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं या फिर वकील के माध्यम से भी रख सकते हैं, ध्यान में रखना, ठीक है, खुद भी रख सकते हैं और वकील के माध्यम से भी वो अपना ठीक है मत रख सकते हैं। साथ ही साथ 14 दिन के नोटिस होता है, नोटिस पीरियड के बाद, और फिर ये यहाँ पे 2/3 ठीक है, दोना 2/3 मतलब समझ में आ रहा है, जितने भी मेंबर होंगे उसके 2/3 लोगों ने क्या करना चाहिए, उसे पारित करना चाहिए कि हाँ महाभियोग
ठीक है, सही है करें। फिर ये क्या हुआ, मान चले राज्यसभा में पारित हुआ तो बाद में आफ्टर लोकसभा में होगा, या लोकसभा में पहले पारित हुआ तो आफ्टर बाद में किसमें होगा, राज्यसभा में होगा, ठीक है, दोनों में होगा। और फाइनली फिर क्या होगा, उसी दिन फिर जिस दिन दूसरे भी इसमें जो होता है, ठीक है, राज्यसभा या लोकसभा में जब पारित होता है तो क्या होता है, उसी दिन राष्ट्रपति को हटाया जाता है। फिलहाल भारत में ऐसा कोई राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग नहीं चलाया गया है और किसी ने ही संविधान का उल्लंघन नहीं किया है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो आपको यहां से पता चला कि ये भारत का प्रेसिडेंट आर्टिकल 52 में, जब भी आपको राष्ट्रपति प्रेसिडेंट जब भी न्यूज़पेपर में कहीं भी नाम दिखता है तो आप 52 ध्यान में रखना। उसके जो सेवन जो अधिकार दिए हुए एग्जीक्यूटिव जो है मुख्य सेनापति है ना, जो भारत का मुख्य सेनापति जो रहते हैं वो। इसके बाद इलेक्शन की जो प्रोसेस में अभी बताया वो 54 में है, 55 में भी वही दिया हुआ है, ठीक है, उसकी प्रोसेस दी हुई है। प्रोसेस क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ कि भारत का अगर नागरिक बनना है तो भारत के नागरिक बनने के लिए क्या क्या उनके लिए पात्रता होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए, हाँ क्या होना चाहिए? पहले तो सबसे पहला पॉइंट है भारत का नागरिक होना चाहिए, क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक, ठीक है, इंडियन सिटीजनशिप होना उसके पास, ठीक है, क्योंकि ऐसा कई पोस्ट है जहाँ पे अदर जो भी होते अदर जो रहते हैं, ठीक है, उनको भी अधिकार है कुछ कुछ चीजों में, जैसे भूटान हो गए, नेपाल के हो गए, तो वैसे भी भारत इसे सिर्फ भारत का नागरिक चाहिए, ठीक है, जैसे आप मैं, ठीक है, हम लोग बन सकते। सेकंड जो है 35 है, मतलब लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य चाहिए, ठीक है, और वो या फिर नहीं मिला तो चलेगा। और 35 वर्ष मतलब कितना चाहिए, 35, कोई ऐसा चलेगा नहीं कि 20-25 साल का या 30 साल का, क्यों नहीं चाहिए, उसमें क्या नहीं रहता है, मैच्योरिटी नहीं रहती है, समझ में आ रहा, इसीलिए 35 अबाउट चाहिए, उसके कम नहीं चलेगा। और इतने भी नहीं, आप देख सकते हो तो जब भी आप देखो प्रेसिडेंट बुजुर्ग ही रहते हैं, क्यों उनको रखा जाता है कि जो डिसीजन है वो अच्छे से, ठीक है, क्योंकि इनके पास बहुत पावर रहता है। एक अगर 35 ईयर का बना लिए और कहीं युद्ध चल रहा है, थोड़ा सा मतलब मान चलो कि कहीं विवाद चल रहा पाकिस्तान भारत का, और इसने बोल दिया कि जाओ, ठीक है, और युद्ध कर लो गरम गरम, ठीक है, हाइपर ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो वो क्या करते हैं किसी बुजुर्ग को रखते हैं, ठीक है, इसीलिए। और ऐसा नहीं कि वो खुद डिसीजन लेते हैं, उनके मंत्री जो रहते हैं वहां से उन्हें सलाह लेना पड़ता है। साथ ही साथ थर्ड, कोई भी उसे लाभ का पद नहीं होना, क्या नहीं होना, लाभ का पद, मतलब ऐसी कोई पोस्ट नहीं होना। अभी ये मेंशन नहीं किया गया है, ये मेंशन नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि लाभ का कोई पद मतलब है करके, ठीक है, नहीं है ये मेंशन किया, तो कौन कौन से नहीं है, तो लाभ के पद में आएगा सबसे पहले राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति आता, प्रेसिडेंट आता अपना, राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, मंत्रिमंडल ने, आप समझ गए होंगे, मंत्रिमंडल, साथ ही साथ एक कैबिनेट मंत्री, हाँ राज्य मंत्री भी चलेगा, उसके साथ साथ प्रधानमंत्री, पीएम और राज्यपाल और ये गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर वगैरह केंद्र शासित प्रदेश में वो, तो ये लाभ के पद में नहीं आता है। और फिर जो बचे हुए पोस्ट है, बचे हुए आप शिक्षक हो, टीचर हो, गवर्नमेंट टीचर हो, समझ में आ रहा है, या आप फिर वकील हो या फिर कुछ भी हो, जहाँ जो पेमेंट सरकार से पेमेंट लेता है, समझ में आ रहा है, तो उनके लिए क्या होता है, वो लाभ का पद। ऐसा कहीं भी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं माना गया है कि लाभ का पद कौन सा है, पर कौन सा नहीं है ये दिया हुआ, तो ये चीजें उनके पास, ठीक है, लाभ का पद नहीं होना, अगर होगा तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अगर लाभ का पद मतलब मान चलो कि आप एक वकील हो, गवर्नमेंट वकील हो, या फिर मान चलो कि आप आपका मतलब आप एक स्कूल में टीचर हो, है ना, तो जो लाभ का पद है वो आपको छोड़ना पड़ेगा, किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए, समझ में आ रहा है, तभी आप प्रेसिडेंट बन पाओगे। अभी देखो, और इसमें एक बात है, अगर इतनी ही बातें रहती तो कोई भी आम आदमी खड़ा हो जाता, ठीक है, प्रेसिडेंट बनने के लिए, कि भाई मैं भी तो राजा बनूं भारत का, समझ में आ रहा है, हर किसी को तो वही लगेगा, क्यों गौरव लगेगा कि भाई मैं को तो राजा बनना है, हर किसी का सपना है, क्यों मैं मतलब गवर्नमेंट जॉब करूंगा, कुछ नहीं है ना, तो ये हर इसके लिए कुछ रूल लगा है,
ठीक है। तो इसीलिए कुछ लोग इसे अतांत्रिक अलोकतांत्रिक भी कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसके साथ ही साथ 50 प्रस्तावना चाहिए, कितने प्रस्तावना और 50 अनु, ठीक है। तो होता क्या है, 50 प्रस्तावना, तो ये जो लोकसभा राज्यसभा विधानसभा यहाँ के जो मेंबर रहते हैं, ठीक है, यहाँ के जो मेंबर रहते हैं इन्हें क्या किया जाता है, इनमें से 50 लोग ऐसे डिसीजन ले कि हाँ हम इसे अमिताभ बच्चन जी को बनाएंगे प्रेसिडेंट। उन्होंने अपना क्या रखा, राय रखी, समझ में आ रहा है कि हमें प्रेसिडेंट गौरव चाहिए, और 50 लोगों ने ऐसे बोल दिया, और ये दूसरे 50 ऐसे चाहिए जिसने हामी रखी, मतलब हाँ समझ में आ रहा है, किसी ने बोला कि सिर्फ एडवाइस दिया था पहले, अभी इन्होंने हामी भरी कि हाँ अभी फाइनल बनाना है इसे, तो ऐसे 100 चाहिए। ऐसा नहीं कि यही 100 प्रस्तावना करे और यही 50 फिर से रिपीट, रिपीट नहीं चलेंगे, समझ में आ रहा। तो ऐसे कितने मेंबर चाहिए, फिर 100 मेंबर चाहिए, किसी आम आदमी को पहचानते 100 लोग, 100 विधान एमएलए या एमपी पहचानते क्या, 100 एमपी एमएलए किसको पहचानेंगे, माननीय नितिन गडकरी हो गए, अमिताभ बच्चन जी हो गए, मोदी जी हो गए, समझ में आ रहा सचिन तेंदुलकर, ऐसे लोग होंगे, फिर हम आम लोग बन सकते राजा नहीं बन सकते। ये क्या हुआ, जब स्टार्टिंग में जब बना था, जब भारत में जब स्वतंत्र हुआ था, तो देखो मैं आपको बता दूं कि भारत में स्टार्टिंग जब स्वतंत्र हुआ था तो प्रेसिडेंट नहीं था उस टाइम पे, जो प्रेसिडेंट का काम था वो कौन करता था, फिर प्रेसिडेंट का जो वर्क था वो कौन करता था, नहीं जो गवर्नर जनरल थे बने हुए थे, ठीक है, आपको पता है राजगोपालचारी बने थे, उसके पहले माउंटबेटन भी बने हुए थे, तो ये वर्क करते थे राष्ट्रपति के, जो वर्क थे वो आफ्टर फिर राष्ट्रपति पद बना तो फिर ये कर देंगे, वो पद हटा दिया गया, समझ में आ रहा है। हाँ, तो ये हो गए आपके जो अनुवादन, ठीक है, तो इतने आपको होना। इसके बाद आपको क्या करना है, जब भारत जब स्वतंत्र हुआ था तब सिर्फ 2 ही लोग चाहिए थे, एक आपको प्रस्तावना रखने वाला और दूसरा अनुवादन करने वाला, 2 भी आपके विधायक पहचान के मिल गए एमएलए एमपी, ठीक है, तो आप प्रेसिडेंट के लिए खड़े हो सकते थे। और ऐसे जो एक पर्सन का नाम आता है नंदलाल, लाल नंदिया नंदलाल थे, वो क्या होते थे स्टार्टिंग में खड़े हो जाते थे हर बार प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है, तो वो हर बबार खड़े हो जाते थे, और वो ऐसे 4-5-6 बार हुए और लास्ट में उनको एक बार कुछ भी मत नहीं मिला, 0 मिला, जिन्होंने उसने बोला कि खड़े हो जा उन्होंने भी उसको मत नहीं दिया, तब से उन्होंने छोड़ दिया कि अभी मैं नहीं बनूंगा, समझ में आ रहा। तो ऐसे आम आदमी भी कोई भी बनते थे, ठीक है, तो इसी के चलते उन्होंने क्या कर दिया, उसके चलते हुए 10 प्रस्तावना रखे गए, कितने स्टार्टिंग में 10 प्रस्ताव, उसके बाद 10 अनुवाद, तो ये 10-10 रखे गए, 10 प्रस्ताव 10 अनुवाद, 10-10 रखे गए, और फिर ये कब 97 में, कितना 1997 में, और इसके 2500 रुपए आपको क्या करना पड़ता था, आरबीआई में भरना पड़ता था, कितना 2500, ठीक है, आपके सिक्योरिटी के तौर पे कितना भरना था 2.5 हजार, ठीक है। फिर क्या हुआ, एक यहाँ पे भी लोग फिर भी नहीं मान रहे थे, 10 एमएलए की बात है ना, चलो ठीक है कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेते हैं, तो इसके चलते हुए उन्होंने क्या कर दिया, फिर 50 कर दिए, और अभी अमाउंट क्या कर दिए 15000, आपको क्या करना पड़ेगा डिपॉजिट में आरबीआई में 15000 रुपए भरना पड़ेगा, अगर आप 15000 रुपए भरते हो आरबीआई में, समझ में आ रहा है, तभी आपको क्या क्या वो डिपॉजिट पैसे रहेंगे और वो पैसे आपको बाद में मिलेंगे भी चुनाव होने के बाद। बट अगर आपको 1/6 मत नहीं मिले, कुल मत कितने 1/6 मत नहीं मिले, तो आपके जो 15000 है ना वो जब्त तो हो जाएंगे, समझ में आ रहा है, आरबीआई रखेंगे तो 1/6 मत होना भी, ठीक है, तो इसी हाँ 1/6 मतलब मान चलो कि 1000 मेंबर है उसका इंटू 1/6 कर देगा, समझ में आ रहा, उतने मेंबर को भी अपने को वोट मिलना चाहिए, तो ठीक है, तो ये रहता था, ठीक है, तो ध्यान में रखना कि ये सब चीजें होना, तो देखो थोड़ा यहाँ तक तो सिंपल है, अपन भारत की सिटीजनशिप है, ठीक है, आज 35 होने वाले हैं, और उसके साथ साथ बेरोजगार है, समझ में आ रहा है ना, लाख करोड़ भी बन रही नहीं ना, है ना, बाद में बनेंगे तो बनेंगे, बाद में गवर्नमेंट देखेंगे, तो 3 चीजें हैं, बात है अभी किसकी, बात है सिर्फ भविष्य, है ना, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको बताना पड़ेगा कि एमएलए एमपी को 50, है ना, पर वो बहुत दूर की बात है यार, अगर ये मिल जाए तो फिर हम देखेंगे राजा बनने के लिए, तो याद तक समझ में आया कि कैसे बनता है।
तो अगर अभी मान चलते कि राष्ट्रपति को आपने देखा कि ये भी होना विधानसभा होना कौन होना राज्यसभा के मेंबर लोकसभा के मेंबर विधानसभा के मेंबर दिल्ली और पांडिचेरी के ठीक है वहां के विधानसभा के मेंबर भी होना उसे मत दिया जाता है ठीक है बट मनोनीत नहीं अभी उनको महाभियोग चलाना है उनको हटाना है तो कैसे हटाएंगे उनको हटाने की प्रोसेस क्या है तो वो हटाने की प्रोसेस है देखो यहाँ पे अभी विधानसभा के मेंबर जो है वो उन्हें हटा नहीं सकते जब मत होता है ना महाभियोग का जब ये चलता है उन्हें हटाना है प्रेसिडेंट को तो इनके मत नहीं लिए जाते ठीक है साथ ही साथ ये दिल्ली और पांडिचेरी के भी मत नहीं लिए जाते इनको राष्ट्रपति को हटाना है तो समझाना साथ ही साथ ठीक है अभी जो मनोनीत जो थे ना जो मत नहीं दे पाते थे वो यहाँ पे मत देंगे समझाना है ये बात ध्यान में रखना जो मनोनीत है वो मनोनीत क्या करेंगे वोट अभी नहीं जो बारह लोग जिन्होंने राष्ट्रपति नियुक्त तो करने के लिए वोट नहीं दिए थे बट राष्ट्रपति को निकाल सकते थे भाई यार हमें वोट देने का अधिकार नहीं दिया था ना ठीक है अभी हम क्या करते हैं निकाल लेते हैं तो टू थर्ड चाहिए उसके प्रोसेस मैंने अभी बताया इसके पहले तो ये जब रहा तो फिर उसे क्या करते हैं राष्ट्रपति को क्या कर सकते हैं ये लोग अपने मत से ठीक है हटा सकते हैं ध्यान में रखना ठीक है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट पड़ता है जो पहले इसमें नहीं था ठीक है ये वोट दे सकते हैं तो आप यहाँ तक आने का समझ आया होगा कि 52 जो रहता है प्रेसिडेंट बनता है हर बार प्रेसिडेंट 52 53 जो रहता है उनके जो पावर है ठीक है वो जैसे क्षमा याचना करना फांसी की सजा रहती है आपातकाल ठीक है वित्तीय आपातकाल ये सब रहता है इलेक्शन की प्रोसेस जो अभी मैंने जो बताया था 54 में है 55 में भी वही प्रोसेस किया हुआ है ठीक है 56 में क्या होता है उनका कार्यकाल दिया उनका कार्यकाल कितना रहता है 5 साल अभी 5 साल रह जाए तो किस किस कारण वो फट सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले तो वो 5 साल का ड्यूरेशन होगा ठीक है 5 वर्ष अगर पूरे हो जाते हैं तो वैसे पद से वो हट जाएगा ठीक है अपने आप नहीं हटेगा जब तक तो कोई नया प्रेसिडेंट नहीं आएगा ठीक है नया प्रेसिडेंट कार्यभार संभालेगा मतलब मान सकते कि अगर आपकी अगर बदली हो रही है ठीक है आपकी अगर बदली होती है और आप महीना भर लेट भी जाते तो वो वहां पर रहेगा है ना सन्मान है तो उसके बाद ही वो पद छोड़ेगा और आप वहां पर जाके बैठोगे तो ये 5 वर्ष तक रहेगा पहली बात दूसरी बात उनकी अगर मृत्यु हो जाती है उनकी क्या हो जाती है मृत्यु हो जाती है साथ ही साथ वो खुद अपने आप मतलब नहीं क्या हेल्थ इशू हो या और कोई इशू हो उसके कारण क्या कर देंगे त्याग पत्र देंगे क्या देंगे त्याग पत्र भी दे देंगे सॉरी मैडम होता है ना कभी कभी कुछ इशू रहते हैं साथ में महाभियोग महाभियोग उनके ऊपर क्या चलेगा महाभियोग चलेगा और महाभियोग चलने के कारण उन्हें हटाया जाएगा ठीक है इतने ध्यान में रखना और जैसे वो एक है चुनाव चुनाव में जो हुआ चुनाव में जो इलेक्शन में क्या हुआ अवैध ठीक है इनलीगल तरीके से अगर चुनाव में मतलब मान लो कुछ धांधली हो गई है या कुछ हो गया होगा तो इसके चलते भी आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा और वहां के प्रोसेस भी करके उन्हें हटाया जा सकता है ठीक है तो ऐसे 4-5 चीजें जिनसे हटाया जा सकता है तो उनका ड्यूरेशन 5 ईयर का रहता है कितना रहता है 5 ईयर का रहता है वो किसमें बताया गया है 5 ईयर का 5 ईयर का लिया हुआ है 5 और 6 में ध्यान में रखना 5 और 6 में 5 साल का दिया हुआ है ठीक है उसके बाद 57 में दिया हुआ है एलिजिबिलिटी फॉर द रीइलेक्शन मतलब क्या होता है कि आप कितने भी बार चुनाव लड़ सकते हो ठीक है अपने राष्ट्रपति जी के फर्स्ट वाले राजेंद्र प्रसाद जी वो भारत में 2 बार राष्ट्रपति बने हैं ठीक है शायद उनकी इच्छा भी 2-3 बार 4 बार बन सकते हैं वो कितने बार भी बन सकते हैं पर अमेरिका के प्रेसिडेंट ऐसा नहीं है अमेरिका के प्रेसिडेंट सिर्फ 2 ही बार बन सकते तीसरे बार नहीं ठीक है और 2 साल आने काफी बड़े हो जाते हैं 5-5-10 वहां पे 4 साल का ड्यूरेशन मिलेगा उनका 4 साल का है अपना 5 साल उसके बाद जो 58 में जो दिया हुआ है ठीक है 58 में क्या दिया हुआ है देखो ठीक है 15 में राष्ट्रपति चुने जाने के लिए योग्यता तो अपन देखिए योग्यता उसकी और भारत का नागरिक होना चाहिए है ना 35 एज होना चाहिए लोकसभा का सदस्य मेंबर रहने लायक होना चाहिए साथ ही साथ वो ठीक है लाभदायक वध नहीं होना चाहिए ये सब अपने देखा है तो ये किसमें आता है 58 में ठीक है क्वालिफिकेशन मतलब उनका जो इलेक्शन जो है प्रेसिडेंट बनने के लिए ठीक है और 59 में क्या दिया हुआ है 59 में दिया हुआ है राष्ट्रीय कार्यकाल की दिशा ठीक है
59 में क्या दिया हुआ है, रेसिडेंट ऑफिस। तो मतलब उनका जो कार्यालय है, ठीक है, कार्यालय की दिशा दशा है, मतलब राष्ट्रपति जो है वो तो क्या होता है कि प्रेसिडेंट वगैरह को कुछ इन्फॉर्मेशन मंत्री को इनको देना पड़ता है, ठीक है, जो संसद में कुछ होता है वो, ठीक है, यहाँ पे उनको इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है। अभी बाद में समय डेट में बताऊंगा, वही जो कार्यालय रहता है, जो भी मतलब मान लो संसद में चर्चे उनके बारे में डिस्कशन हो रहा, तो उनके बारे में उनको थोड़ा सा पता होना कार्यालय के। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि कार्यालय की बात निकली है, ठीक है, ऑफिस की बात निकली है, तो जब प्रेसिडेंट रिटायर होता है, जब प्रेसिडेंट मतलब रिटायर मतलब 5 साल हो जाते हैं, तो जब 5 साल के बाद में इन्हें क्या क्या मिलता है बताओ। देखो पहले ना इनका पेमेंट था 50,000, ठीक है, फिर हुआ 1,50,000, और अभी कितना हुआ है ना, अभी आप मिल दो 4-5 लाख, तो अभी जो हुआ है 4-5 लाख, तो ये प्रेसिडेंट का पेमेंट है। तो देखो जब ये 5 साल हो जाते तो इनको कहीं पे भी इनकी इच्छे से अनुसार इनको क्या मिलेगा, आवास, आवास है ना, घर। वो बोलेंगे कि हमें नागपुर में होना, हमें मुंबई में होना, हमें दिल्ली में होना, हमें ये नगर में होना, ठीक है, तो वो हिसाब से उनका आवास मिलेगा, ठीक है। पहली बात उनको कार मिलेगी, उनको क्या मिलेगा, ठीक है, कार मिल जाएंगे, उनको फोन की सुविधा मिलेगी, फोन सुविधा, ठीक है, उनको चिकित्सा सुविधा मिलेगी, क्या मिलेगी, चिकित्सा मतलब जो अपने हॉस्पिटल में जो भी है, समझ में आ रहा। साथ ही साथ इनके सचिव के लिए कार्यालय, ठीक है, ऑफिस जो है जो अपन 59 में लेकर है, ठीक है, ऑफिस, इसका खर्च मिलेगा, खर्च कितना मिलेगा, 60,000, कितना मिलेगा, 60,000, तो 60,000 रुपए इनको क्या मिलेगा उसका, ठीक है, मेंटेनेंस खर्च मिलेगा, और साथ ही साथ इनको कार, आवास, फोन सुविधा, और इनको हाफ, कितना, हाफ क्या मिलेगा, पेंशन, ठीक है, पेंशन मिलेगा, आधा क्या मिलेगा, मतलब जिनकी इनकी जो भी कुछ सैलरी रहेगी उसके हाफ इनको क्या मिलेगा, पेंशन मिलेगा, ठीक है, और बहुत से सारे और सुविधा रहती है, तो ये फिर बनते का नहीं, ये लाभ के पद के लिए नहीं बनते, तो ये यही लाभ मिल रहा है, समझ में आ रहा है, 5-5 लाख, 10,000 में तो कम से रहता है अच्छे से खाना पीना, 20,000, ठीक है, चलो जाने दो, अपन नहीं बोल सकते ऐसे, वो राजा है तो राजा के लिए समझ में आ रहा है, तो ये तो ठीक है सुविधा, तो ठीक है, मतलब बात मैं प्रेसिडेंट की नहीं कर रहा, बात मैं लोकसभा के मेंबर की बात कर रहा हूँ, प्रेसिडेंट के लिए तो ये होना ही, ठीक है, बट जो आम मेंबर है उनके लिए कितना मतलब इतना ही मतलब उन लोगों को सुविधा दिया हुआ है, 5 साल पर उसके बाद उनको पेंशन, ठीक है, और पूरे लाइफ पर, चलो जान लो कॉफी नहीं है अपना। तो प्रेसिडेंट को मेरे को अच्छी बात है, बाकी जो सदस्य उनको ना मिले तो अच्छी बात है। उसके बाद भी अगर इनकी डेथ हो जाती है, प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है, तो फिर क्या होगा, फिर इनकी पत्नी, जैसे मतलब राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति उसकी पत्नी, तो इनके पत्नी को भी यही सुविधा मिलेगी, सब आवास तो ऑलरेडी रहेगा उनका, कार सब रहेगा, ठीक है, इनको क्या मिलेगा, सिर्फ यहाँ पे चेंज होगा, यहाँ पे क्या होगा, 12,000, कितना होगा, 12,000, समझ में आ रहा है, ठीक है, 60,000 मिले तो 12,000, और जो इनको पेंशन जो मिलता था राष्ट्रपति को, हाँ इसका भी हाफ उनको मिलेगा, मतलब मान चलो कि अपनी जो सैलरी थी 5 लाख, 5 लाख में राष्ट्रपति रिटायर हुआ तो कितना मिला, रिटायर 5 साल कंप्लीट हो गए तो है ना 2.5 लाख, और 2.5 लाख से भी हाफ कितना मिलेगा, 1.25 लाख, किसको मिलेगा, उनके पत्नी को, मतलब उनके, ठीक है, तो ये होता है, ये क्या किया 59 उनके ऑफिस के बारे में। अगर अपन 60 की बात करते हैं, आर्टिकल 60 की बात करते हैं, तो महाभियोग की है, तो ये जो महाभियोग की प्रक्रिया जो है, प्रोसेस जो है महाभियोग की, तभी आपको बताया महाभियोग 1/4 चाहिए, है ना, सिग्नेचर चाहिए, 14 दिन का नोटिस जाता है, नोटिस पीरियड रहता है, वो अपने खुद वकील भी रख सकते हैं अपने, है ना, खुद या खुद भी बता सकते हैं, फिर वकील भी रख सकते हैं, और साथ ही साथ मतलब बहुत लंबी प्रोसेस पूरा चाहिए उनके, क्या होना, ठीक है, एक राज्यसभा में पारित होना है, लोकसभा में, फिर दूसरे सदन में जाएगा, और वहां से भी पारित होगा, और महाभियोग चलाया जाएगा, तो ये सब प्रोसेस किस में दिया हुआ है, 60 में दिया हुआ है, ठीक है, और सॉरी 60 में नहीं दिया हुआ है, 61 में दिया है, और 60 में जो दिया हुआ है, 60 में दिया गया क्या है, शपथ दिया हुआ है, सॉरी
प्रेसिडेंट की क्या दिया हुआ है 6-0 में शपथ, तो उनके शपथ मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया था कि कौन देता है, मुख्य न्यायाधीश, जो मेन न्यायाधीश रहता है वो रहता है, अगर वो नहीं रहे तो फिर सुप्रीम कोर्ट के कौन देते हैं, अन्य न्यायाधीश में जो सबसे वरिष्ठ रहते हैं वो देते हैं। 61 में जो देते हैं तो 61 में क्या होता है, जो महाभियोग चलाया जाता है, महाभियोग इसके ऊपर प्रेसिडेंट के ऊपर, तो उसके बारे में दिया हुआ है। ठीक है, अगर 62 की बात करें तो राष्ट्रपति पद के रिक्त की पूर्ति के चुनाव कराने का समय, मतलब मैंने अभी बताया कि 5 साल हो जाते हैं, तो 5 साल में राष्ट्रपति पद चुनना ही है। अगर मान चलते हैं कि राष्ट्रपति पद नहीं है, 6 मंथ, कितना 6 महीने, 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव नियुक्त करना ही है, समझ में आ रहा है, 6 महीने के अंदर क्या करना है, राष्ट्रपति बनाना ही है। ठीक है, तो राष्ट्रपति का चुनाव दिया। अभी क्या होता है, 63 जो है वो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, 63 है वाइस, मतलब 63 से वाइस प्रेसिडेंट बनता है अपन उसके बारे में, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा बनने वाला है, क्योंकि क्या होगा कि और कुछ बहुत से उनको अधिकार बाकी है, तो ये अपन वाइस प्रेसिडेंट के जब देखेंगे तब आर्टिकल देखेंगे 53, 54, 55, समझ में आ रहा, इसमें प्रेसिडेंट बन जाता है वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट का जो ये रहता है ये पद संभालते हैं राज्यसभा का सभापति, है ना, तो सभापति जब ये 65 में क्या होता है, जब ये वाइस प्रेसिडेंट क्या बन जाता है, प्रेसिडेंट बन जाता है 65 में। ठीक है, फिर उनके चुनाव के जो भी ये कंडीशन, ठीक है, वो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो अपन क्या कर रहे हैं, अभी राष्ट्रपति का देख रहे हैं, इसलिए अपन डायरेक्ट 71 में जाएंगे। ठीक है, 71 में लिया है राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित मामले, मतलब राष्ट्रपति चुनाव में कुछ भी गड़बड़ी होती है 71 में जाएंगे अभी डायरेक्ट। ठीक है, क्यों 71 में जाएंगे, ये पूरा जो है 63 से लेके 70 तक ये वाइस प्रेसिडेंट का है, जो कल देखेंगे अपन वाइस प्रेसिडेंट का। 71 में क्या दिया हुआ है, 71 में क्या दिया है, जो राष्ट्रपति के चुनाव के मामले, मतलब मान चलो चुनाव में कुछ गड़बड़ी हो गई है, आपको क्या करना है, सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हो, है ना, समझ में आ रहा, वो 71 में। 72 में क्या दिया हुआ है, 72 में तो क्षमा याचना, मतलब किसी को भी फांसी की सजा हो रही है, तो फांसी की सजा जब होती है तो उससे फिर वो क्या करते हैं, दया याचिका कहाँ भेजा जाता है, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है, और फिर वो डिसीजन लेते हैं कि फांसी देना है या इन्हें क्षमा करना है, पर एक बार याचिका देने के बाद आप डबल फिक्स राष्ट्रपति के पास नहीं भेज सकते, समझ में आ रहे, नहीं तो फिर आप क्या करोगे, एक बार दिए, दो बार दिए, फिर भेजो, तीन बार दिए, है ना, चलते रहेगा, तो उनके पास इतना टाइम नहीं रहता है, वो एक ही बार भेजा जाता है, संविधान में ऐसा लिखा गया है। तो आपने 52 में क्या होता है, क्षमा याचिका, ठीक है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव जो रहता है, मतलब ऑफिस के बारे में दिया हुआ 73 में, ऐसा कुछ खास नहीं, और 74 के बारे में अपन देखते हैं, इम्पोर्टेंट है, तो जो 74 है, जो 74 में कौन रहते हैं, मिनिस्टर, मंत्री, ठीक है, मंत्री परिषद, याद रखना 74 में क्या रहते हैं, मंत्री परिषद। अब ये मंत्री परिषद किस लिए रहते हैं, ये मंत्री परिषद किस लिए रहते हैं, तो ये राष्ट्रपति जो है प्रेसिडेंट है, भारत का सीधा राज कार्यभार नहीं ले सकता है, तो उनके लिए वो क्या करते हैं, मंत्री परिषद चूज करते हैं, जो मतलब डिफेंस वाला अलग रहेगा, समझ में आ रहा है, रेलवे वाला अलग रहेगा, है ना, फाइनेंस मिनिस्टर अलग रहेगा, तो इसके लिए वो, तो ये मिनिस्टर जो रहते हैं वो हेल्प करने के लिए एडवाइजर रहते हैं प्रेसिडेंट, समझ में आ रहा है, सलाहकार रहते एडवाइजर करके इन्हें चुना गया जाता है 74 इसमें आता है। 75 में मैं सीधा सीधा आपको बताता हूँ कि सीधा सीधा पीएम जो रहता है उसकी नियुक्ति होती है 75 में, समझ में आ रहा है, 75 में क्या होता है, जो अन्य मतलब जैसे नियुक्ति और उनके वेतन, इनके जो इनकी जो नियुक्ति होती है, ठीक है, जो मिनिस्टर की नियुक्ति होती है उनके पेंशन और कार्यकाल के इसमें होता है, तो ध्यान में रखना है 75 पीएम को भी नियुक्ति होती है। उसके बाद 76 में कौन रहता है, महान्यायवादी, 76 में कौन रहता है, ये क्वेश्चन बहुत बार एसएससी और रेलवे में आया हुआ है, ठीक है, ध्यान में रखना, एमपी कर लो तो कौन सा है, अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया, मतलब उसके ही महान्यायवादी, तो महान्यायवादी किस कलम से बनता है, ठीक है, तो 76 उसकी नियुक्ति की जाती है, ध्यान में रखना, ठीक है, तो बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, उसके बाद 77 में दिया है, भारत सरकार द्वारा
कार्यवाही का संचालन, ठीक है। ये तो कभी एग्जाम में नहीं पूछा है, ठीक है। और उसके बाद 78 जो है एग्जाम में पूछा है, तो अपने देखेंगे बिल्कुल 2 से लेके लास्ट वाली 78। तो 78 जो है, 78 में क्या दिया हुआ है, जो पीएम जो है, प्राइम मिनिस्टर जो है, अपने पीएम जो है, उनकी ड्यूटी है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी क्या जवाबदारी है कि जो भी मतलब आज लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद में जो भी कुछ हुआ होगा, समझ में आ रहा है, तो उसकी जो भी, उसके जो भी कुछ हुआ होगा उसकी जानकारी किसे देना, किसे देना, प्रेसिडेंट को, समझ में आ रहा। प्रेसिडेंट कहाँ रहेगा, राजभवन में, है ना, वो अपने ऑफिस में बैठा रहेगा, राजभवन में बैठा रहेगा, राष्ट्रीय भवन में, है ना, राष्ट्रपति भवन में। और ये क्या करेगा, संसद में जो भी कुछ हुआ है इसकी जानकारी प्राइम मिनिस्टर पल पल की प्राप्त जानकारी किसे देगा, अपने प्रेसिडेंट को, कि ये सब हुआ है। तो ये दिया है आर्टिकल में दिया हुआ है, तो उसके बाद भी बहुत से उनको अधिकार दिए हुए हैं, ठीक है। बट ये काफी लंबा वीडियो बन जाएगा, बाकी अपन ऑफलाइन देखते हैं, ठीक है, वीडियो पे नहीं देखेंगे, लंबा हो जाएगा वीडियो को। अभी उनके जो पावर दिए है प्रेसिडेंट के, तो उस प्रेसिडेंट के पावर के बारे में देखेंगे। तो एक है इसमें एग्जीक्यूटिव पावर, सबसे पहले कार्यकारी पावर, ठीक है, कार्यकारी पावर कोई बोलेंगे एग्जीक्यूटिव इंग्लिश में, ठीक है, कार्यकारी जो शक्ति दी है तो उसके बारे में देखेंगे। तो उनको पूरी शक्ति दी है, तो जो भारत का जो भी शासन चलता है वो किसके नाम पे चलता है, भारत का जो शासन है किसके नाम पे चलता है, राष्ट्रपति के नाम से। जितने भी गवर्नमेंट जो भी काम चल रहे हैं किसके नाम से चल रहे हैं, संसद के नाम पे चल रहे हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये सबके जो महान्यायवादी हो गया, जो अपने जस्टिस हो गए, है ना, सॉरी मुख्य न्यायाधीश हो गए, तो इन सभी को क्या करना, नियुक्त करना, ठीक है। आपको पता है किस किस को नियुक्त करते हैं, प्रधानमंत्री जो हो गए, है ना, मंत्रिमंडल जो हो गया, उनको क्या करना, उनके उनके वेतन, है ना, उनके ऊपर, उनके बाद जो अटॉर्नी जनरल हो गया, महान्यायवादी हो गया, संघ लोक सेवा के सदस्य हो गए, संघ लोक सेवा के अध्यक्ष हो गए, उसके बाद में राज्यपाल, वित्त आयोग, ठीक है, इन सब जो नियुक्ति करते हैं वो किसमें आता है, एग्जीक्यूटिव पावर में आता है, ठीक है, इसमें कार्यकारी कार्यकारी शक्ति में आता है, ठीक है। क्या क्या आता है आपको बताए, वित्त आयोग जो रहता है उनका चेयरमैन चूज करना, लोक सेवा आयोग का चेयरमैन चूज करना, राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल हर स्टेट में है राज्यपाल, है ना, गवर्नर, तो ये सब इसकी नियुक्ति करना, जो अंतरराष्ट्रीय जो भी है बैठक है ना, अंतर राज्य परिषद की नियुक्ति करना 1990 से हो रही है। साथ ही साथ जो अनुसूचित जनजाति है इनके लिए अलग से क्या करना है, अलग से ये लोग क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट अलग से इनके लिए आयोग बना सकता है, ठीक है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियां माइनॉरिटी के लिए क्या कर सकते हैं, माइनॉरिटी के लिए अलग से ये क्या बना सकते हैं, कमेटी बना सकते हैं, ठीक है। किसी जो एरिया है उस एरिया को घोषित कर सकते हैं कि ये एरिया किसके लिए, माइनॉरिटी के लिए है, समझ में आ रहा है। तो ये रहता है एग्जीक्यूटिव पावर में, उनके पास ये फर्स्ट पावर है, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो पावर दिया हुआ, दूसरा पावर कौन सा है, विधायिका, ठीक है, विधायिका का पावर, विधायिका का पावर, विधायिका की शक्ति। तो इसमें क्या हुआ है, विधायक, ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ कि कोई भी अगर एक्ट बनना है, कोई भी अधिनियम बनता है, तो अधिनियम के पहले क्या करता है, वो विधायक रहता है, ठीक है। और विधायक को कहा जाता है, वो राज्यसभा लोकसभा में उसके ऊपर डिस्कशन होता है, राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति के पास 3 से 4 अधिकार है। एक तो उसे स्वीकृत कर सकता है, ठीक है, उसे क्या कर सकता है, स्वीकृत कर सकता है, ठीक है, मतलब ले सकता है, वो इसे मना भी कर सकता है, वो इसे क्या कर सकता है, मना भी कर सकता है, ठीक है, या फिर इसे थर्ड रोक भी सकता है, वीटो बोलते हैं उसे, ठीक है, इसे वो अपने पास रोक भी सकता है विधायक, ठीक है। तो जो भी मतलब धन विधायक छोड़ के, ठीक है, वो था धन विधायक, धन विधायक के लिए वो नहीं कर सकता है, ठीक है, धन विधायक, ये इसके ऊपर उन्हें हामी देना ही है, धन विधायक कर रहा तो ये तो उन्हें क्या करना है, ठीक है, हामी देना ही है। बट बाकी जो नॉर्मल विधायक, नॉर्मल जो है वो क्या कर सकता है, मतलब मान लो कि एक विधायक जो है, ठीक है, अधिनियम बनाने के लिए आ रहा है, ठीक है, राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति क्या करेगा, हाँ उसे अच्छा लगा,
तो हाँ बोलेगा सिर्फ मुझे देगा, अच्छा नहीं लगा वो जाए तो वो क्या कर देगा, नामंजूर कर देगा उसे, या फिर उसे ऐसा लगा कि यार मैं हाँ भी नहीं बोलता ना भी नहीं बोलता, तो वो क्या करेगा इसे रोक सकता है, ठीक है, इसे क्या करेगा वो अपने पास रोकेगा, वो बताएगा भी नहीं कि मैंने रोका है, हाँ बोला है या ना बोला है, समझ में आ रहा है, मतलब हाँ भी नहीं बोला, और कुछ भी रहते ना ऐसे लोग जो हाँ भी नहीं बोलते ना भी नहीं बोलते और चुपचाप बैठे रहते हैं, समझ में आ रहा है, बस यही प्रोसेस है। और अगर मैं यही बात अगर किसी अमेरिका अमेरिका का जो राष्ट्रपति है, ठीक है, प्रेसिडेंट है, इसके बारे में बताऊं तो वहां पे कैसा होता है, वहां के प्रेसिडेंट को 10 दिन के अंदर देना ही, उसके बाद दो ही अधिकार है, उनसे एक तो सिक्योरिटी दे सकता है या फिर उसे वो मना कर सकता है, मतलब विधायक आ गया वो क्या बोलेगा हाँ, ठीक है, या विधायक नहीं आया तो वो क्या बोलेगा ना, वो रोक के नहीं सकता है, समझ में आ रहा, और ये 10 दिन उनके पास कितने है? सिर्फ 10 दिन, 10 दिन के अंदर डिसीजन लेना है, ठीक है, इसलिए वहां के जो प्रेसिडेंट है उसके जो है अधिकार जो है ये कम है, भारत के प्रेसिडेंट के अधिकार उससे ज्यादा है, समझ में आ रहा है, तो ये सिर्फ धन विधायिका में ऐसा नहीं होता है, धन विधायिका में राष्ट्रपति, ठीक है, वो रोक के नहीं कर सकता है, ठीक है, उन्हें हाई बोलना पड़ता है। दूसरी सबसे बात, अगर नॉर्मल है, नॉर्मल विधायक जैसे आ गया इनके पास, ठीक है, राष्ट्रपति के पास संसद से, तो इन्होंने क्या कर दिया, इसे फिर से वापिस भेज दिया, कहां पे, संसद में, फिर संसद क्या करेंगे, फिर से इसके पास भेजेंगे, तब तो हाँ बोलेंगे, अगर डबल भेज दिया, ध्यान रखना डबल, कोई भी विधायक का अगर भेज दिया तो उसे क्या करना है, हाँ करना ही है, और फिर क्या बनेगा वो एक अधिनियम बनेगा, समझा ना, वो क्या बनेगा ये अधिनियम बनेगा, ठीक है, तो ये जो है ये इसमें दिया हुआ है, ठीक है, विधायक का भी। थर्ड क्या है, फाइनेंस पावर, मतलब वित्तीय शक्ति, ठीक है, तो वित्तीय शक्ति यानी कोई धन विधायक, जो अभी बताया था धन विधायक के बारे में। उसके बाद फोर जो है जस्टिस पावर, इसमें क्या दिया हुआ है, पावर में मैं अभी बताया था कि कानून की वो क्या कर सकते हैं, समायासना कर सकते हैं, किसी को फांसी है समायासना, मान सको कि कोई गर्भवती स्त्री है, विकलांग है ना, तो उसको क्या करेंगे विराम, मतलब उनको बोल देंगे कि जाओ सजा मुक्ति कर दे, ठीक है, और कोई मान सको क्या करें लेडीज है वो प्रेग्नेंट है एक आधा अपंग है ना, तो उन्हें क्या कर देंगे दया याचिका में छोड़ देंगे कि जान दे विराम लगा देंगे, या किसी की सजा जो होगी वो कम करवा देंगे, मान जो किसी 14 साल है तो वो 5 साल करवा देंगे 2 साल करवा देंगे, है ना, तो ये क्या करेंगे ये अधिकार दिया हुआ है किसको, अपने प्रेसिडेंट को, ठीक है, ये न्यायालय की शक्ति दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में क्या दिया है डिप्लोमेटिक पावर, ठीक है, डिप्लोमेटिक पावर, तो उसमें क्या दिया हुआ है डिप्लोमेटिक पावर में, उसमें दिया है कूटनीति शक्ति, ठीक है, उनके पास क्या है कूटनीति शक्ति, कूटनीति शक्ति यानी क्या होता है, ठीक है, डिप्लोमेटिक पावर यानी क्या होता है, जैसे बाहर जो कंट्री है उनके साथ कुछ समझौते करना है तो राष्ट्रपति के नाम से ही समझौते होते हैं, और जो मुख्य सेनापति जो पद है, ठीक है, मुख्य सेनापति मतलब तीनों इसके मेन है ना, वायुसेना थल सेना, ठीक है, जल सेना, इसका मेन जो रहते हैं ये रहते हैं, ये बोलेंगे आज युद्ध करना है तो करना है, इन्होंने बोल दिया युद्ध रोकना है तो रोकना है, समझ में आ रहा है, तो ये इनके पास वो पावर रहता है, पर ये क्या करते हैं जो मंत्री परिषद है उनके साथ उनको डिस्कस करना ही पड़ता है, उनकी मंजूरी लेना ही पड़ता है, समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं कि ये तो डिसीजन ले ले। उसके बाद एक रहता है मिलिट्री पावर, ठीक है, एक और क्या रहता है मिलिट्री पावर, ठीक है, सैन्य शक्ति जो मुख्य सेनापति जो रहता है, और एक पावर जो रहती है आपातकालीन शक्ति, ठीक है, तो ये आपातकालीन जो इमरजेंसी है ना, इमरजेंसी के ऊपर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, तो उससे क्या होता है इमरजेंसी में बहुत बार क्वेश्चन, हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है इमरजेंसी, ठीक है, जो इंदिरा गांधी जी ने लगाया था इमरजेंसी, ठीक है, या फिर उस दिन अपने वीडियो भी लगाया था इमरजेंसी के ऊपर, ठीक है, तो इमरजेंसी जो है तो इमरजेंसी तीन इसमें रखती है, इमरजेंसी तीन इसमें रहती है, एक तो एक रहती है राष्ट्रीय, ठीक है, एक कौन से रहती है राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, राष्ट्रीय इमरजेंसी बस करेंगे राष्ट्रीय आपात, ठीक है, मतलब नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, दूसरी कौन सी रहेंगे राष्ट्रपति आपातकाल, ठीक है, प्रेसिडेंट इमरजेंसी, थर्ड कौन से रहेंगे फाइनेंस इमरजेंसी, मतलब वित्तीय वित्तीय, तो ये जो है ना
ये राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है, कौन से कलम के अनुसार लगता है? 352 बहुत बार आते हैं ये एग्जाम में, इसके ऊपर मैं डिटेल बाद में जब आपातकाल का अपना चलेगा अलग से इमरजेंसी वाला, ठीक है। तो ये 352 एक्ट के कलम के अनुसार ये राष्ट्रपति आपातकाल लगता है, ठीक है, सॉरी राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। राष्ट्रपति जो है 355, 356, ठीक है, 356 और 365 ये दो कलम से लगता है, ठीक है, ये दो कलम से आपातकालीन लगता है। और इसके बाद एक वित्तीय आपातकालीन, ठीक है, ये जो है ये 307, ये कौन सी है, ये भारत में अभी तक नहीं लगा, ये तो बहुत बार लगा है, ये भी लगा है, ठीक है, पर वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है अभी। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोरोना में वित्तीय आपातकाल लगने वाला है, इमरजेंसी ऐसे लग रहा था कि फाइनेंस जो है इमरजेंसी भारत में लग सकती है, ठीक है, बट नहीं हुआ, समझना। तो ये ज्यादा से ज्यादा आप 2 महीनों के लिए कर सकते हो, कितना, 2 महीने, तो उसके बाद अपन ज्यादा वित्तीय आपातकाल नहीं लगा सकते, ठीक है, वित्तीय इमरजेंसी 2 महीने से। अभी वित्तीय इमरजेंसी फाइनेंस इमरजेंसी मतलब क्या, तो सभी का पेमेंट क्या करते, काट देते सभी का, मुख्य न्यायाधीश से लेके, तो एक मानते टीचर से लेके मुख्य न्यायाधीश से लेके चपरासी तक सब जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, मतलब मान लो 50,000 है किसी का, तो वो फिर देखेंगे कि किस हिसाब से काटते हैं, तो सबका काटेंगे, फिर उन्हें 10-10, 15-15 हजार ही मिलेगा, तो सभी का, फिर मुख्य न्यायाधीश क्यों ना रहे, और या फिर कोई कॉलेज का चपरासी या किसी, ठीक है, डॉक्टर रहे, गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट है, जितने भी है सबका, ठीक है, राष्ट्रपति शायद नहीं कटेगा उनका, बट न्यायाधीश से लेकर सबका कटेगा, मुख्य न्यायाधीश से, समझ में आ रहा है। तो ये रहता है फाइनेंस वित्तीय आपातकाल, जो भारत में अभी तक लगा नहीं है। अभी मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो है कोरोना काल में थोड़ा सा इश्यू, मतलब नहीं क्या, ज्यादा आर्थिक तंगी आ गई है, लोगों के पास नहीं है पैसा, तो लग रहा था मुझे कि कहीं तो भी ये लग सकता है करके, बट चलो नहीं लगा, अच्छी बात है, ठीक है। तो ये था अपना राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के बारे में, ठीक है।